बीजेपी राम मंदिर का निर्माण करवाने जा रही है, क्या कांग्रेस को उससे परहेज है? भगवान राम उन 30 करोड़ लोगों का भी है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी, भगवान राम उन 45 करोड़ लोगों का भी है जिन्होंने भाजपा को वोट दी। जी अभी चुनाव हुए प्रदेशों के, 1-2% का वोट का फर्क था, 42% कांग्रेस की थी, 44% बीजेपी की थी, भगवान राम सभी का 100% लोगों का है। मगर भगवान राम को सीमित ना करिए, भगवान राम सबका आस्था का प्रतीक, अयोध्या अभी तक हरियाणा से राम मंदिर में पूजा अर्चना करने और कोई नहीं गया। दीपेंद्र अयोध्या में आज से 4 महीने पहले अयोध्या जाके पूजा अर्चना करे हम, नीरज शर्मा हमारे जो विधायक और हमने जाके अयोध्या रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना करी। हम तो वो लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ भाजपा वालों को, कि जब हमारा जो है कोई अपना खेत के अंदर ट्रैक्टर लेकर और अपना हैरो के साथ अपना जोत लेकर निकलता है तो वह लेके राम का नाम और भाई गिर लगाता है। हम वो आदमी, हम वो लोग। बीजेपी राम मंदिर का निर्माण करवाने जा रही है, क्या कांग्रेस को उससे परहेज है? भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जी, हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को उस बात पे बहुत बहुत खुशी है। हर हिंदू को खुशी है और हर देशवासी को बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन मैं जो हमारा और भाजपा का जो जहां दृष्टिकोण अलग अलग है, हम ये मानते हैं कि भगवान राम हर देशवासी का 140 करोड़ देशवासियों की भावना का प्रतीक है। भगवान राम उन 30 करोड़ लोगों का भी है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी, भगवान राम उन 45 करोड़ लोगों का भी है जिन्होंने भाजपा को वोट दी। जी अभी चुनाव हुए प्रदेशों के, 1-2% का वोट का फर्क था, 42% कांग्रेस की थी, 44% बीजेपी की थी, भगवान राम सभी का 100% लोगों का है। मगर भगवान राम को सीमित ना करिए, भगवान राम सबका आस्था का प्रतीक है। ये हमारा अभी तक कोई हरियाणा से, मैं आपको एक जानकारी ले रहा हूँ, अयोध्या अभी तक हरियाणा से राम मंदिर में पूजा अर्चना करने और कोई नहीं गया। दीपेंद्र अयोध्या में आज से 4 महीने पहले अयोध्या जाके पूजा अर्चना करे हम, नीरज शर्मा हमारे जो विधायक और हमने जाके अयोध्या रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना करी और एक आनंद में मैं समझता हूँ भगवान के आशीर्वाद का हमने की अनुभूति हमने वहां पे जाके करी। आज तक तो कोई नहीं गया भाजपा वाला हरियाणा से जी। मेरे को इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गर्व है कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो बाबरी मस्जिद के दरवाजों के गेट तोड़ के और उस समय राम जो है लल्ला की पूजा की शुरुआत की गई और उसके बाद कोर्ट केस चला, कोर्ट पे केस का फैसला हुआ और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज राम मंदिर का वहां निर्माण किया जा रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जी निमंत्रण जो है किसको मिलेगा नहीं करेगा, निमंत्रण में क्या करेंगे। अरे भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है, हम तो भगवान के मंदिर में बिना निमंत्रण के जाने वाले लोग हैं। आप निमंत्रण का इंतजार करते होंगे, हम तो जाएंगे और जब निमंत्रण मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बात का कोई अर्थ नहीं हमारे लिए। भगवान का निमंत्रण हमारे पास तो 24 घंटे, हम तो वो लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ भाजपा वालों को कि जब हमारा जो है कोई अपना खेत के अंदर ट्रैक्टर लेकर और अपना हैरो के साथ अपना जोत लेकर निकलता है तो वह लेके राम का नाम और भाई गिर लगाता है। हम वो आदमी, हम वो लोग। हमको आप मत बताइए लेकिन, मगर ये भगवान राम सभी के, आपके भी हैं, हमारे भी है। हमारा और आप में एक ही दृष्टिकोण में फर्क है कि राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये राजनीति से ऊपर सभी के आस्था का केंद्र भगवान हो और भगवान राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, ये मैं समझता हूँ सही बात में। अगर असली धर्म है तो वो धर्म की बात जी। बिल्कुल, ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, खास शख्सियत में आज हमने इनके साथ तमाम उन मुद्दों पे बात की है, उन मुद्दों पे चर्चा की है और साथ ही साथ गहराई से जानने की भी कोशिश की है कि आने वाले 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार की रणनीति रहेंगी, किस प्रकार से कांग्रेस को वो मात दे पाएंगे और इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि जितने काम कांग्रेस के राज के अंदर उन्होंने करवाए हैं
अगर बीजेपी के लोग, गठबंधन सरकार के लोग ओपन चैलेंज स्वीकार करते हुए अगर वो अपने काम गिनवा सके तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा गिनवाए गए कार्यों की इस लिस्ट के आगे बीजेपी के लोग अपनी किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।